आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी जीतराम ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी समेत जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं लोकसभा प्रभारी जीतराम ने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा में कांग्रेस के सभी 6 संगठनों को मजबूत किया जाएगा। आयोजित बैठक में बूथ और जिले की समीक्षा भी की जा रही है। वहीं पूर्व विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नैनीताल लोकसभा प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारा लक्ष्य 5 सीटों को जीतने का है। उसके लिए बहुत मजबूती के साथ सारे लोग लगे हैं और पहला आह्वान हमारे केंद्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय खड़गे जी जो है 28 तारीख को देहरादून आ रहे हैं। वो सबको दिशा निर्देश दे करके वहाँ से चुनाव का बिल्कुल फूक जाएंगे जी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है उसके लिए हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और यहाँ पर हमारे संगठन के 6 जिले हैं जिसमें रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर हैं। और आज से हमने ये शुरू किया है कैंपेन। आज अल्मोड़ा जिले की हमारी आज मीटिंग है, यहाँ पर पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी और हमारे जितने पदाधिकारी गण हैं उसमें। और आज हम बेसिकली अपने संगठन पे यहाँ पर बात रखेंगे कि हमारा संगठन कहाँ पर किस रूप में है, ब्लॉकों की क्या स्थिति है, बूथों की क्या स्थिति है, जिले की क्या स्थिति है, और उसका हम आज इवोल्यूशन करेंगे कि हमारे संगठन में क्या गतिविधियाँ हैं और कितने पदाधिकारी वगैरह पूर्ण हैं नहीं हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है उस पर आज चर्चा होगी। नया चेहरा देंगे